हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा और इतना आसानी से बनने वाला हलवा बताएंगे हम, जिसमें कोई चाशनी का झंझट नहीं होगा और बहुत टेस्टी होगा। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सूजी ली है, आप कोई सी सूजी ले सकते हैं, मोटी या बारी। मैंने मोटी सूजी का यूज़ किया है और आधी कटोरी सूजी ली है, तो आधी कटोरी मैंने शक्कर ली है, आधी कटोरी मैंने घी लिया है। और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम, और आप भी कुछ और ड्राई फ्रूट्स चाहें तो डाल सकते हैं, वरना नहीं है तो नहीं डालें, ऑप्शनल है। और ये मेरे केसर भी है, ये भी ऑप्शनल है, यदि है तो डालें वरना नहीं डालें। मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में घी गरम कर लिया है, अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, देखिए इस तरीके से, और करीब सेम आँच पर 2 से 3 मिनट के लिए इनको ब्राउन होने तक सेकूंगी। मैंने इनको इसलिए नहीं तोड़ा है न काटा है कि ये कटने के टूटने के बाद ये जल जाते हैं, चूरा हो जाता है ना, इसलिए मैंने इनको साबुत ही कर लूँगी और बाद में इनको मैं काटूंगी। करीब 1.5 से 2 मिनट में हमारे ड्राई फ्रूट तल चुके हैं, मैंने बिल्कुल सिम आँच पर इनको तला है, देखिए। और मैं इनको इस बाउल में निकाल लूँगी। घी यदि इनके साथ आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हलवे में ही ऐड करना है हमें। अब मैं इसमें सारा घी डाल दूंगी, आधी कटोरी भी मैंने इसमें डाल दिया है, और मैं इसमें आधी कटोरी सूजी डाल दूंगी। और मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे से सेकेंगे। आप चाहें तो कम घी का भी यूज कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा घी का हलवा ज़्यादा अच्छा लगता है, यदि कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर इस तरीके चलाते हुए सेक लेंगे। इधर ये हलवा हमारा बन रहा, ये सूजी सेक रही है हमारी, इधर हम 1.5 कटोरी पानी, मतलब तिगना पानी सूजी का हम डालेंगे, ये 1 और ये 1.5 कटोरी मैंने पानी इसमें रख दिया है। और मैं इसको गर्म करूँगी। आप सोचेंगे कि मैंने चाशनी के लिए तो मना करा था, मैं चाशनी क्यों बना रही, लेकिन मैं चाशनी नहीं बना रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी मैं इसका क्या करूँगी। आज से 6 मिनट हमको इस तरीके से लगे और हमारी सूजी ब्राउन कलर की देखिए हो गई है, हमने मीडियम फ्लेम पर इसको सेका था, देखिए हमारी सूजी बिल्कुल ब्राउन कलर की हो गई है। अब हम इसमें जो हमने पानी गर्म करने रखा था इधर, वो बॉयल हो चुका है। अब बॉयल पानी को हम इसमें गैस ऑफ, ये हमने गैस ऑफ कर दी, इस पानी को हम इसमें धीरे धीरे डालेंगे। ये प्रोसेस बहुत ध्यान से करना है क्योंकि सूजी बहुत अच्छी है, धीरे धीरे करते हैं ये बॉयल पानी डाल देंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको पानी को डाल दिया, सर पानी में ऐड करती हूँ। इसे सूजी एक साथ खिल जाती है। अभी हम थोड़ा फुल फ्लेम पे इसको करेंगे, तेज गैस पर कराया हमने अभी, फिर हम मीडियम पर कर देंगे। देखिए सूजी एक साथ फूल जाएगी और इसलिए कोई चाशनी वाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे, आधा कटोरी जो हमने ली थी, और इसको इस तरीके से हम चलाते हुए, और इसलिए मैंने ना ये जो आप ड्राई फ्रूट्स लिए थे मैंने, वो मैंने इस तरीके से काट लिए। आप चाहे किसी भी शेप में काट सकते हैं, अब इसका चूरा भी नहीं हुआ जिस शेप में आप काटे और वो अच्छे रहेंगे। मैंने देखिए इस तरीके से काटे, ये थोड़े मोटे इस तरीके से हमने इसको मीडियम फ्लेम पर इस सिचुएशन तक बना लिया, देखिए। और हमने इसमें देसी घी का यूज़ किया है फ्रेंड्स, हलवा तो देसी घी का ही अच्छा लगता है, देखिए। और देखिए कितना दानेदार बन रहा है ये, देखिए। और फ्रेंड्स, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, जिससे मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरी रेसिपी थोड़ी भी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अब हम इसमें डाल देंगे केसर, देखिए जो हमने केसर ली थी वो हमने इसमें डाल दी, तो इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट और कलर आ जाता है हलवे का, देखिए। ये ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहें तो ठीक, हमने गर्म पानी डाला था ना, तो इसलिए देखिए कितना रवादार ये बना है हलवा हमारा, देखिए। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो डाल देंगे, और जो इलायची मैंने पीसी थी वो हम इसमें डाल देंगे इस
तरीके से हलवा देखिए कितना अच्छा टेस्टी हलवा, बहुत पौष्टिक है ये तो, परफेक्ट है सारा सामान जो हमने इस तरीके से डाला है ना वो परफेक्ट है हलवा। देखिए कितना दानेदार है हलवा हमारा, हमारा हलवा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। मेरे चैनल देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।